Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello guys and welcome to this video. हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया था पीओ के लिए और एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ भी कंडक्ट हो जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि आरआरबी का एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम अगस्त में स्केड्यूल है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में हैं कि उन्हें कौन से एग्जाम के लिए अपेयर करना चाहिए, क्या वो आईबीपीएस पीओ होगा या फिर एसबीआई पीओ या फिर वो आरआरबी पीओ के लिए अपेयर करें। आपकी इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लेके आए हैं ये वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन तीनों पीओ एग्जाम्स के डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन, उनका सैलरी और उनका वर्क प्रोफाइल कैसा रहेगा, ताकि ये आपके लिए इजी हो कि आपको कौन सा एग्जाम चूज करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस बात करेंगे हम एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के बारे में, तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टेबल है जिसमें एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ का डिस्क्रिप्शन डिफाइन है। सबसे पहले बात करते हैं हम एसबीआई पीओ के बारे में। तो अगर आप एसबीआई पीओ के लिए अपेयर कर रहे हैं तो जानना ज़रूरी है कि एसबीआई पीओ विल हैव टू वर्क एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। वो कस्टमर के कंप्लेंट्स को एड्रेस करेगा और उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। ही हैज़ टू मेक श्योर कि किसी भी अकाउंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो एंड अगर कोई अनड्यू चार्जेस किसी भी अकाउंट पे है तो उनका रेक्टिफिकेशन करना बैंक के बिहाफ पे एसबीआई पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। क्योंकि ये पोस्ट जो है वो रूरल एरियाज के लिए है तो आप कुछ तो समझ ही गए होंगे कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा। सबसे मेजर और प्राइमरी ड्यूटी जो होगी आरआरबी ऑफिसर की वो होगी कि बैंकिंग सर्विसेज को रूरल एरियाज में लाना होगा इंडिया के। आरआरबी ऑफिसर को उसके ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेन किया जाएगा मल्टीटास्कर के तौर पे, यानी कि ही हैज टू बी वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक आरआरबी पीओ की होती है। एट द एंड उसको बहुत सारी बंडल ऑफ ड्यूटीज दी जाएंगी दैट ही हैज टू चेक ऑन द रूरल एरियाज। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के जॉब डिस्क्रिप्शन की। आईबीपीएस पीओ और मैनेजर्स जो है बैंक के, वो कस्टमर डीलिंग और मेंटेनेंस के लिए होते हैं। उनका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिफरेंट ब्रांच में जो रेगुलर एक्टिविटीज हो रही है उनको सुपरवाइज करना। ये था जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के बारे में। आई होप कि इससे आपको कुछ डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि तीनों बैंक्स में क्या डिफरेंस रहेगा और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे वेरी करेगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसकी वजह से बच्चे एनरोल करते हैं, वो है सैलरी स्ट्रक्चर। जी, बात करें एसबीआई पीओ की तो एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, इन तीनों एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा सैलरी जो अगर कोई ऑफर करता है तो वो है एसबीआई पीओ। बेसिक पे जो एसबीआई पीओ का है वो है 27,620 और एक एसबीआई पीओ को इनहैंड सैलरी मिलेगी 38,000 से लेके 42,000 रुपीस की। अब बात करते हैं हम आरआरबी पीओ की, तो आरआरबी पीओ का जो बेसिक पे है वो है 23,700 और उसका इनहैंड सैलरी है 29,000 से लेकर के 33,000। लास्ट इट्स आईबीपीएस पीओ जिसका बेसिक पे है 14,500 और इनहैंड सैलरी है 35,000 से लेकर के 40,000। तो ये थे डिफरेंसेस सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा कि आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है, तो अगर आप अपीयर करना चाहते हैं या इफ़ यू वांट टू बी सिलेक्टेड एज अ पीओ और सैलरी के बेसिस पे आप अपना चॉइस करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्क प्रोफाइल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, इन तीनों की वर्क प्रोफाइल डिफरेंट होती है। मोर और लेस दे आर वेरी सेम बट कहीं ना कहीं वेरिएशंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ ऑफिसर्स की और उनके वर्क प्रोफाइल की। हर वो कैंडिडेट जो एज अ पीओ अपॉइंट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ही हैज़ टू अंडरगो अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जी, हर कैंडिडेट को एक प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो कि होगा 2 साल का।
इस प्रोबेशन पीरियड में कॉमन टास्क जो होते हैं वो होते हैं कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको गेन करना, कस्टमर को अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, जितने क्लेरिकल टास्क हो रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, यानी कि जो वो क्लेरिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उनको देखना कि क्या वो ढंग से अपने सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या कोई असिस्टेंस उन्हें चाहिए तो वो एक PO प्रोवाइड करता है। हाँ, और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि लोन्स को प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोबेशनरी ऑफिसर की ही होती है। प्रोबेशन पीरियड पे उसको रिटेल बैंकिंग, एडवांसेस और रूरल बैंकिंग, तीनों ही बैंकिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है ताकि इन फ्यूचर उनकी पोस्टिंग अगर किसी रूरल एरिया में हो या किसी भी अर्बन एरिया में हो तो दे आर वेल इक्विप्ड एंड दे हैव द नॉलेज कि वो अपनी सर्विसेज अच्छे से परफॉर्म कर सके। प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने पे, यानी कि 2 साल के बाद व्हेन यू हैव जॉइंड एज एन SBI PO, उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कैंडिडेट जिसने अपना प्रोबेशन क्लियर किया है दैट कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही वो कैंडिडेट एज अ ऑफिसर यानी कि मिडल मैनेजमेंट ग्रेड Scale 2 पे अपॉइंट होता है। जी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट होने के बाद, उसे क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट ऑफिसर मिडल मैनेजमेंट ग्रेड Scale 2 पे अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RRB PO के वर्क प्रोफाइल के बारे में। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RRB का प्रोबेशनरी ऑफिसर को भी एक प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ता है 2 साल का। RRB PO की वर्क प्रोफाइल में इंक्लूडेड है ब्रांच ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस। इसका मतलब है कि ब्रांच में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे कि कैश का डिपॉजिट है, कैश का विड्रॉल है, या कोई अकाउंट ओपन होना है, किसी का पेंशन से रिलेटेड क्वेरी है, या किसी की सैलरी स्टेटमेंट का क्वेरी है, किसी का चेक डिपॉजिट है या चेक का कलेक्शन है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन और इन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक RRB PO की होती है, जो कि एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि सारा का सारा कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल PO के अंडर होता है। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि ये रूरल बैंकिंग के लिए है तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे लोन्स या माइक्रो इंटरप्राइजेज और रिटेल की लोन्स जितने भी होते हैं वो एक RRB PO ही पास करता है। क्योंकि वो लोन्स पास करेगा फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज और रिटेल के, तो ये ज़रूरी है कि एक RRB PO को फील्ड विजिट करने पड़े, क्योंकि जब तक आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को देख नहीं लेते, आप श्योर नहीं हो जाते कि ये पर्टिकुलर लोकेशन इसके लिए लोन देना वाजिब होगा, तब तक एक RRB PO उसके लिए लोन प्रोसेस या फिर उसे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो RRB PO का एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही विल हैव टू डू द फील्ड विजिट्स, उसके बेसिस पे आगे का डॉक्यूमेंटेशन करना, क्रेडिट का अप्रेजल करना, या लोन रिकवरी हुआ रिटेल या एग्रीकल्चरल लोन्स का, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक RRB PO की होती हैं। अब बात करें पीपल मैनेजमेंट की या फिर और बाकी सारे कामों की जो एक RRB PO की होती है, तो अगर आप एज एन RRB PO अपॉइंट होते हैं तो आपको क्लेरिकल और सारे अदर जो जूनियर स्टाफ है, यानी कि जो आपके अंडर या आपके नीचे लेवल पे जो जितना भी स्टाफ है बैंक पे, उन सबको आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। हर ब्रांच की और हर डिपार्टमेंट की अलग अलग रिपोर्ट्स होती हैं और उसके अलग अलग डेटा होते हैं। एक RRB PO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करे और उनसे रिलेटेड सारा जो डेटा है वो एक जगह पे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे रखे, ताकि फ्यूचर में अगर उसकी कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। बात करते हैं IBPS PO के वर्क प्रोफाइल के बारे में। IBPS PO, इफ यू आर अपॉइंटेड एज एन IBPS PO, तो अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजर्स की बात करें तो उनका मेजर टास्क होता है मेंटेनेंस और ब्रांच के रेगुलर एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज रेज हो रही हैं बाय द कस्टमर्स, उन्हें डील करना। उनका अनदर टास्क पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करना है, मॉनिटर करना है और रेगुलेट करना है ब्रांच की सारी एक्टिविटीज, ब्रांच में हो रहे टास्क, या फिर अगर कोई भी इशू रिलेटेड है कस्टमर से उसको क्लियर करना एक PO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोन को प्रोसेस करना और कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को डील करना भी एक IBPS PO की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
एज एन असिस्टेंट मैनेजर, बिकॉज सबसे पहला जो आप ज्वाइन करते हैं वो आप एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं। एक्सपेक्ट करती है IBPS कि आप मल्टीटास्क करने में बहुत माहिर हो। जी हाँ, मतलब आपको सारे काम आने चाहिए, दो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उस चीज़ के लिए, बट दे एक्सपेक्ट दैट यू शुड बी अ मल्टीटास्कर। आपको क्लेरिकल टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। आपको इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसी जो बैंक है वो फॉलो कर रहा है, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रहा है, और उन्हें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और वो ब्रांच के फेवर में कैसे फंक्शन कर सकता है। तो ये था वर्क प्रोफाइल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, RRB और IBPS PO के बारे में। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये सारी टेबल में सब कुछ डिफाइंड है, एंड आई होप कि इसके क्वेरीज आपके सॉल्व हो गए हों। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करियर प्रोग्रेशन के बारे में, IBPS RRB के करियर प्रोग्रेशन के बारे में, और IBPS PO के करियर प्रोग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करियर प्रोग्रेशन और प्रमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले जब आप सिलेक्ट होते हैं, जब कैंडिडेट सिलेक्ट होता है एज एन SBI PO, तो उसकी फर्स्ट रैंक होती है असिस्टेंट मैनेजर। द सेकेंड रैंक इज द डेप्यूटी मैनेजर, एंड द थर्ड रैंक इज मैनेजर। द रैंक फोर्थ इज चीफ मैनेजर, देन ही ग्रोज टू चीफ जनरल मैनेजर। उसके बाद उसे मिलता है डेप्यूटी जनरल मैनेजर की पोजीशन, जिसके बाद जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड द लास्ट इज द चेयरमैन। तो ये थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द रैंकिंग जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज टू अंडरगो फॉर द प्रमोशंस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर, एंड द रैंक 11th, यानी कि जो लास्ट रैंक होती है वो होती है चेयरमैन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं IBPS RRB के करियर प्रोग्रेशन चार्ट के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो सबसे पहली पोस्ट एक RRB PO की होती है ऑफिस असिस्टेंट, जिसके बाद ही गेंस पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 यानी कि PO, जिसके बाद वो ग्रो करता है एज एन असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर, देन द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, देन इज द असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर DGM, एंड लास्ट इज द जनरल मैनेजर। लास्ट हम बात करते हैं IBPS PO के करियर ग्रोथ और उसके इंक्रीमेंट्स के बारे में। तो आप ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर, जिसके बाद यू गेट द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर, देन द ब्रांच मैनेजर, देन सीनियर ब्रांच मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एंड फाइनली द जनरल मैनेजर। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी आपके सारे PO एग्जाम्स के डिफरेंसेस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई डाउट्स रह गए हो जो क्लियर ना हो पाए हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे जी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर YouTube चैनल।